और वहीं भीमसेना चीफ सतपाल तंवर ने नुपुर शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जुबान काटकर को लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है, ये आपत्तिजनक बयान दिया है। नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। नुपुर शर्मा की जुबान काटकर लाने वाले को 1 करोड़ रुपयों से सम्मानित किया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी हैं। पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन सियासत चमकाने में जुटे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। विवादित बयान की आड़ में सारी हदों को पार कर रहे हैं। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले को भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा करते हैं। भीम सेना के इस बयान को ऐलानिया धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस तरह के बयान से सतपाल तंवर पहली बार विवादों में नहीं घिरे हैं। इससे पहले भी कई फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों को धमका कर विवाद खड़ा कर चुके हैं और अब नूपुर की जुबान काटने की बात। भीमसेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने आरोप लगाते हुए कहा कि नुपुर शर्मा ने नबी का अपमान किया है, जिससे करोड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग आहत हुए हैं। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया है। नुपुर शर्मा का यह अपराध माफी के लायक नहीं है, फांसी के लायक है। सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।